आप सबसे पहले बताइए आप क्या कहेंगे, इट्स ह्यूज सक्सेस फॉर यू। थैंक यू नोटिस, आपका चैनल हमेशा गरीब लोग के लिए उठाते रहे और हम तहे दिल से आपको तारीफ करना चाहता है ये चैनल को कि आप शुरुआत से अभी तक साथ बना हुआ है। ऐसा है कि हम मैंने ये जितना भी न्यूज़ चैनल है सब आपका तरफ नहीं, बहुत लोग अरुणाचल में भी बहुत सपोर्ट किया, लेकिन आपका जो अगर नोटिस बोले तो आपका चैनल ही बहुत साथ दिया है, तो तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये मेरा हम पहले से बोले ये मेरा जिद नहीं है, ये सारा पब्लिक का जिद है, आम जनता का, गरीब आदमी लोग, जिस आदमी को गंदा पानी पी रहा है और जो आदमी को साफ पानी पीना जैसा सोने वाला, हर किसी का जिद है। ये मेरा जिद नहीं, हम पहले से बोला मेरा तो जिद 12 तारीख को हो चुका था, जब 12 तारीख को वो लोग हमको अटैक किया था, अटैक करके मेरा गाड़ी को तोड़ा है, उस समय में मेरा जिद हो चुका था, वो मेरा जिद था। वो लोग हम झगड़ा नहीं किया है उसका, अगर हम वहाँ से यहाँ तक फुट मार्च करके 4 डेज आए हैं, वो मेरा जिद था। तो अभी तो ये जीत जो पब्लिक का जीत है, जो हमारा जनता, जो नॉर्थ ईस्ट का जनता, जितना भी अरुणाचल कोना कोना बच्चा बच्चा, हर किसी का जीत है, ये मेरा जीत नहीं। हम इसलिए बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट आपका न्यूज़ चैनल का, जो आप लोग न्यूज़ चैनल, वो जो आप लोग बहुत योगदान अच्छा दिया, आप लोग न्यूज़ लोग का जीत है, ये मेरा जीत नहीं। हम हमेशा बोलिए ये मेरा जीत नहीं, ये जो जनता का जीत है। आपने कहा कि आपका 12 तारीख में ही आपका जीत हो गए थे, तो आपने शुरू किया अप्रैल 15 से आपने आपका ये इशू जो है शुरू किया है, सेपा से आपने सबसे पहले ईटानगर में आपने फुट मार्च किया, आप और आपका एक दो सपोर्टर्स जितने भी थे आपकी टीम के साथ, तब बताइए इतने एक महीना लगे आपको यहाँ पे बैठ के आवाज़ उठा के अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द करप्शन, तो आप अपने यात्रा के बारे में थोड़ा बताया, तो कितना तकलीफ सहना पड़ा? तो देखिए तकलीफ तो अगर बताए ना, ऐसे बहुत तकलीफ है, सच बात बताएगा, वहाँ से चलने के बाद भी कितना तकलीफ हुआ है, स्ट्रगल हुआ है। यहाँ में आप यहाँ बैठे थे, देखो बारिश को इतना तकलीफ होता है, धूप में भी बहुत तकलीफ, तो तकलीफ तो बहुत तकलीफ, लेकिन नहीं बता सकता कि क्या क्या तकलीफ हुआ, लेकिन सच बात बताएगा कि रात को नहीं सो के बैठना, इतना बारिश में नहीं सो के बैठना, जब बारिश होता है तो हम लोग पूरा लड़का लोग नहीं सो के चेयर के ऊपर ऐसे ही पूरा बैठ जाता है, रात भर बैठ जाता है, उसके बाद धूप होता है तो दिन में अमर हो जाता है कि नहीं ऐसे मैंने चाया बाकी घूमना, तकलीफ तो बहुत है, लेकिन हमारा अरुणाचल का जो भूखा पैसा रहने नहीं दिया है, हमेशा भूखा पैसा रहने नहीं, वहाँ अरुणाचल का जितना जनता है वो हमेशा प्यार दिया है, खाना पीना पानी सब कुछ अवेलेबल किया है, बस लेकिन जो क्लाइमेट जो नेचुरल चीज़ है उसे थोड़ा तकलीफ है बस। तो अभी तो आज का दिन है जो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सक्सेस रहा है, तो इससे पहले जो आप कल रात से लेके जो आज का जो सुबह था, आप कैसे फीलिंग क्या था आपका, क्योंकि आज सुबह आप लोग यात्रा पे जाने वाले थे, दिल्ली फुट मार्च करने वाला था, तो फिर ऑन एंड ऑफ हो रहा था, कभी EAC आता है, कभी जो SP जो आता है, और फिर कल रात फिर DC रात का 12 बजे आए, तो आपके ओवरऑल ये आज को लेके आज का जो मालूम नहीं था कि आप इवन कॉल अप करने वाला भी है वो कैप्टन स्ट्राइक को, और आपका ओवरऑल फीलिंग क्या रहा था कल से लेके आज तक? देखिए सच बात बताएगा, दिल तो बहुत दर्द दिया है कि हम तो पूरा प्लानिंग कर चुका था कि दिल्ली जाना है पूरा प्लानिंग कर चुका था, लेकिन हमारा अरुणाचल सरकार तो मालूम हो गया कि ये भी बात मानने वाला नहीं था, ऐसा सोचा होगा। तो रात को DC साहब आया है, आने के बाद सुबह 3 बजे तक बैठा है, उसके बाद सुबह 8 बजे से कुछ ऑफिसर लोग आते, कुछ लोग बैठा है, तो 8 बजे से OC आके बैठा है, और उसके बाद SP वगैरह बहुत ऑफिसर लोग आया है, तो हम पता नहीं था कि आज इतना जल्दी जीत होगा, हम तो और 3 महीने का प्लानिंग कर रहा था, हम तो चाहे एग्जैक्ट 1 ईयर्स 1 साल लड़ना है तब थोड़ा मज़ा होगा, तो हम ऐसा लगे कि ये में सेटिस्फाई नहीं है हमको ना, सच बात बता सेटिस्फाई नहीं है हमको, और 3 महीना 12 दिन चाहिए था, तो 3 महीना 12 दिन में हम दिल्ली पहुँचना था, तो मेरा क्या था, ये मेरा ऐसा था कि हम पब्लिक हमको साथ दे रहे, पब्लिक का तौर से जो पब्लिक का प्यार, जो प्रार्थना, जो क्रिश्चियन होते हैं वो बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, क्रिश्चियन लोग प्रार्थना का द्वारा से, और जो नॉन क्रिश्चियन वो भी जो मंदिर जाता है उस मस्जिद जाता है, और बहुत लोग और जो नेदरलैंड में जाता है वो लोग सबका प्रार्थना के द्वारा से आज बहुत जल्दी सक्सेस हुआ, लेकिन हम तो ये नहीं सोचा कि इतना जल्दी सक्सेस होगा, तो सरकार को भी हम दिल से धन्यवाद देता हूँ, और हमारा गरीब जनता जो हम लोग का जिसको मैं फुल सपोर्ट करता है उसको तय दिल से धन्यवाद देता हूँ, ये मेरा जीत नहीं है, ये आम जनता का जीत है, पब्लिक का और गरीब आदमी का जीत है।